हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम अपने प्रेजेंट को किन किन तरीक़ों से ख़राब करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि भाई हम अपने पास्ट का रिग्रेट करते हैं। पास्ट का रिग्रेट करने से सबको पता है कुछ होगा नहीं, हम यही सोचते रहते हैं पहले ऐसी गलतियाँ क्यों करी, क्यों अपने आप को कोसते रहते हैं पास्ट की मिस्टेक्स को या जो भी हमने गलतियाँ करी उनको, चीज़ों को सोच सोच के। होना कुछ है नहीं, अपना प्रेजेंट ही ख़राब होना है। ठीक है, तो पास्ट सिर्फ एक ही तरीके से देखो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। जो भी तुमने किया है ना गलती, उनसे सीखो और वो जो गलतियाँ फिर से रिपीट मत करना प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में। बात खत्म। तो नो मोर रिग्रेट अबाउट द पास्ट, पास्ट वहीं की वहीं ख़त्म। दूसरी चीज़, आप सबको पता है हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, कल को ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और फ्यूचर को लेकर ना अजीबोगरीब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, वो भी नेगेटिव। तो हमारे को करना क्या है कि हमारे को फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उस बारे में सोचना है। और आज जितना हम अपने बेस्ट दे सकते हैं ना, जितना बेस्ट आज हम कर सकते हैं उतना बेस्ट करें, वो ही एक तरीका है फ्यूचर को अच्छा करना। ये हम सबको पता है पर हम भूल जाते हैं फिर भी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे को भूलनी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, और ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, देखो आप और मैं ना दो इटर्निटीज़ के बीच में खड़े हैं इस टाइम। ठीक है, पास्ट जो हमेशा के लिए जा चुका है और फ्यूचर जो अभी तक आया नहीं है, हम दोनों भी इटर्निटीज़ में एक भी सेकेंड के लिए नहीं जी सकते। बट बाई ट्राइंग टू डू सो वी कैन रैक बोथ आर बॉडीज़ एंड आर माइंड्स। अपना दिल दिमाग भी ख़राब कर सकते हो और अपना शरीर भी। सो हमार को लेट्स बी कंटेंट टू लिव द ओनली टाइम वी कैन पॉसिबली लिव फ्रॉम नाउ अंटिल बेड टाइम। मतलब जब आप सुबह उठो तो आपको ये सोचना है कि मुझे बस बेड टाइम तक ही जीना है, सिर्फ बेड टाइम तक ही। बात खत्म। तो नो मोर ड्रेड ऑफ द फ्यूचर एंड नो मोर रिग्रेट अबाउट द पास्ट। ठीक है, पहली चीज़ ही हो गई। और लास्ट चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई हम जब छोटे होते हैं हम ये सोचते हैं कि जब कॉलेज में आएंगे कितने मज़े होंगे, कॉलेज में फ्रीडम फ्रीडम होती है। जब कॉलेज में आते हैं पैसा नहीं होता, फिर सोचते हैं जब जॉब लग जाएगी तब मज़े करेंगे। फिर जब जॉब लग जाती है फिर बंदा सोचता है शादी के बाद मज़े करूँगा, और फिर वो थॉट चेंज हो जाता है व्हेन आई विल एबल टू रिटायर, जब रिटायरमेंट आएगी ना तब मज़े करूँगा। अब तो ऐसा करते करते हो जब रिटायरमेंट के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो यही चीज़ रियलाइज़ करता है कि भाई मैंने सब कुछ मिस कर दिया। और लाइफ में ना हम बहुत देर से सीखते हैं कि लाइफ इज़ इन द लिविंग ऑफ एवरी डे एंड आवर, ज़िंदगी हर घंटे और हर दिन में है। तो हमार को ना तो रिग्रेट होना चाहिए, ना ही पास्ट का कोई रिग्रेट होना चाहिए, और ना ही कोई फ्यूचर की चिंता। और ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी टाइम का हम वेट कर रहे हैं कि जब टाइम परफेक्ट होगा, कंडीशंस परफेक्ट होगी, क्योंकि आपको ये पता है कंडीशंस कभी परफेक्ट होंगी ही नहीं, ना लाइफ कभी परफेक्ट होती है। तो उस टाइम का वेट करना लाइफ जीने के लिए बेवकूफ़ी है। तो कल हो ना हो, जैसे कि शाहरुख खान की मूवी का टाइटल भी है, तो इस चीज़ से हमारे को सीखना चाहिए। और इन तीन तरीक़ों से हम अपने प्रेजेंट को ट्रिप करते हैं, पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की चिंता, और किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि तब स्टार्ट करूँगा, तब ये काम करूँगा, तब मज़े करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो है आज है, कल को आप जिंदा रहो ना रहो इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो आज के लिए बस इतना ही।